लोकतंत्र में टारगेट करके मर्डर क्यों करेगा? पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालें। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। तय है कि वोटिंग के मौसम में गर्मी अपने परवान पर होगी, लेकिन बंगाल की सियासत में इन दिनों सियासी गर्मी अपने उफान पर है। नेताओं के मुंह से बारूद बरस रहा है तो सड़क पर कार्यकर्ताओं के हाथ में बम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो इसके पीछे बड़ी और ठोस वजह है। पिछले करीब दो हफ्तों से लगातार मैं बंगाल के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं, उनके मूड को समझ रहा हूं, साथ ही जमीनी हकीकत को भी देख रहा हूं। मैंने और मेरे कैमरा पर्सन ने देखा है कि किस तरीके से सड़क पर पत्थरबाजी हुई है, बम बरसा है, गोली चली है और इनका टारगेट कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हो या फिर सरकार में मंत्री। इसीलिए आज बंगाल बोले में बात, मुंह में बारूद, हाथ में बम और किसमें कितना दम की करेंगे। 24 घंटे में बंगाल में हिंसा की इन तस्वीरों से साफ है कि किस तरह बंगाल सियासी हिंसा की गर्मी में झुलस रहा है। निमतिता रेलवे स्टेशन पर जहां ममता सरकार के मंत्री पर बम से हमला हुआ, तो मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता को गोली मारी गई, जबकि कोलकाता के फूल बागान में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए बीजेपी के नेता। यहाँ हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव हुआ। तस्वीरें बुधवार की रात करीब 10 जिले की है। मुर्शिदाबाद के नीमतिता रेलवे स्टेशन पर ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन अपने समर्थकों के साथ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आनंद फानन में मंत्री और घायल लोगों को पास के अस्पताल ले जाया गया। मंत्री को बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर कर दिया गया। हमला मंत्री पर हुआ था, ऐसे में ममता की सीआईडी ने जांच शुरू करने में देरी नहीं की। सीआईडी ने एक ओर जांच अपने हाथों में ली तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंचकर घायल मंत्री हुसैन से मुलाकात की। जांच रिपोर्ट से पहले ही ममता बनर्जी ने हमले को एक सुनियोजित साजिश बता दिया और इशारों में केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। टारगेट नहीं करने से लोकतंत्र में लड़ना जरूरी है। लोकतंत्र में टारगेट करके मर्डर क्यों करेगा? और करने का जरूरत क्या है? इधर टीएमसी नेता जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ तो मुर्शिदाबाद के ही हरिहर पाड़ा में बुधवार को ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के सिर पर गोली मार दी गई। तस्वीरें तृणमूल कार्यकर्ता को अस्पताल लाए जाने की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तृणमूल कार्यकर्ता के सिर पर जख्म के निशान है। एवं मालोपाड़ा ग्रामे 8:30 দিকে আমাদের এই তাহাজ্জুদ্দিন বলে যে ব্যক্তি আমাদের বুথের কর্মী, একনিষ্ঠ কর্মী এবং ওখানকার সুপারভাইজার, তাকে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা তাকে হুমকি দেয়, তোকে মারবো, ধরবো, অমক তমক করে বিভিন্ন সময় তা আজকে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। তার মাথায় গুলি করে তাকে আঘাত পৌঁছেছে, এখন সে খুবই সিরিয়াস। আমাদের বহরমপুর হসপিটালে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে, ইতিমধ্যে তার সিটি স্ক্যানও করা হয়েছে, কিন্তু আমরা খুবই চিন্তিত। बुधवार का दिन बंगाल की सियासत के लिए किसी कलंक कथा से कम नहीं रहा। मुर्शिदाबाद में दो जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया तो इसी बीच बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए। दरअसल बीजेपी नेता फूल बागान एरिया में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय की तरफ एक मामले की जानकारी देने के लिए मार्च कर रहे थे कि तभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच दोनों पक्षों में पहले बहसबाजी हुई,
फिर दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इस हिंसक झड़प में उत्तरी कोलकाता के बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवाजी सिंह राय घायल हो गए। शिवाजी, शुभेंदु अधिकारी और शुभदेव पांडा समेत दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ मार्च में शामिल थे। घायल बीजेपी नेता को पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां देर रात उनका हाल जानने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में थे। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की पांचवी परिवर्तन यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। छोटी सांगठनिक जिला। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडों के हाथों मारे गए 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। कमल खिलने वाला। टीएमसी के गुंडों को पाताल से ढूंढकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूँ कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिपे छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। 60 के दशक में जो राजनीतिक हिंसा शुरू हुई, वो 2021 में भी जारी है। वामपंथी सरकार के दौरान 1977 से 2007 तक बंगाल में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। ममता के सत्ता संभालने के दो साल बाद 2013 में भी बंगाल में राजनीतिक वजहों से 26 लोगों की हत्या हुई थी। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2013 से लेकर मई 2014 के बीच बंगाल में 23 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। 2015 में हिंसा की 131 वारदात हुई थी, जिसमें 184 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में हिंसा की 91 घटनाएं हुई, 205 लोगों की मौत हुई। 2018 के पंचायत चुनाव में सिर्फ एक दिन में 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बीजेपी का दावा था कि पंचायत चुनाव में 52 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक वजहों से हत्या हुई, जबकि टीएमसी ने दावा किया कि उसके 14 कार्यकर्ता मारे गए थे। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में राजनीतिक हिंसा में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, उस पर राजभवन की भी नजर है। पिछले महीने की 9 तारीख को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा था कि बंगाल में अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं, बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं, इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट, बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं, नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। बंगाल के चुनाव में रक्त चरित्र से पीएम मोदी भी पूरी तरह से वाकिफ है। पिछले साल 11 नवंबर को पीएम मोदी का ये भाषण तो आप भूले नहीं होंगे। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं, मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। मौका था बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत का, लेकिन पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से बिना पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी का नाम लिए इशारों ही इशारों में साफ संदेश दे दिया कि लोकतंत्र में मौत का खेल नहीं चल सकता। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। बंगाल की जनता भी इस रक्त चरित्र से परेशान है। मंत्री जाकिर हुसैन पर जिस नीमतीता रेलवे स्टेशन पर बम से हमला हुआ, वो स्टेशन मुर्शिदाबाद जिले में है। वही मुर्शिदाबाद जहां हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से आधे से भी कम है। जब हमने यहां के लोगों से राज्य में जारी सियासी हिंसा पर सवाल किया, तो यहां के लोगों का जवाब सीधा और सपाट था। राज्य में हिंसा रोकने की जिम्मेदारी सरकार पर है
और ममता बनर्जी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। किसी पार्टी की रैली निकल रही है तो ये पॉलिटिकल जो हिंसा है वो भी बड़ी है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़ गया है पॉलिटिकल हिंसा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ममता बनर्जी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उसको। टेररिस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है हमको मालूम नहीं है। हाँ, और जो हो जाए वो एक धर्म की है, क्यों कैसे हो गया है हम लोग को मतलब नहीं। हम लोग को 40 साल से बुर्बक हम लोग को टोपी पहना जा रहा है, वो बाम लेफ्ट वालों ने किए, TMC वालों ने किए, अब हम तो और कोई चारा नहीं बचे ना। जाहिर है जैसे जैसे बंगाल में चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी सियासी तलखी और बढ़ेगी, लेकिन इस सियासी तलखी की वजह से राजनीतिक हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन।